विश्वविद्यालयों में हो रही समस्याओं को लेकर छात्र काफी समय से आंदोलित हैं, जिसको लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री सचिन सिंह के नेतृत्व में भारी संख्या में छात्राओं द्वारा एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि कोरोना काल के बाद जो विश्वविद्यालय ने अपना शैक्षिक कैलेंडर घोषित किया है, उसके उपरांत हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में विधिवत रूप से कक्षा प्रारंभ नहीं हो पाई है। छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सारी परीक्षाएं प्रारंभ की जाए। विश्वविद्यालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति जो व्यक्तिगत फॉर्म आते थे वो अभी तक नहीं आए हैं। छात्र हित में ध्यान रखते हुए व्यक्तिगत फॉर्म फिर से शुरू किए जाएं। हिंदू विश्वविद्यालय में अभी तक कुछ दिन पूर्व तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा महाविद्यालय के छात्राओं के साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया था, उसको लेकर छात्र छात्राओं में काफी रोष व्याप्त है। ज्ञापन के माध्यम से छात्र ये मांग करते हैं कि उन सुरक्षा कर्मियों को कॉलेज परिसर से बाहर कर दिया जाए, ताकि छात्र छात्राओं में उनका भय खत्म हो सके। अधिक जानकारी देते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सह मंत्री सचिन सिंह द्वारा बताया गया कि प्रदेश सह मंत्री अखिल भारतीय सचिन जी किस संबंध में ज्ञापन दिया रहा है, क्या प्रदर्शन है आज? आज राज्यपाल जी को ज्ञापन जिलाधिकारी द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें प्रमुख महाविद्यालयों की समस्याओं को लेकर हम ज्ञापन जिलाधिकारी साहब को सौंपेंगे। क्या क्या समस्या है? इसमें हमारी जो प्रमुख समस्या है, एक हिंदू कॉलेज में जो क्या नाम है, पुलिस प्रशासन और सुरक्षा कर्मी जो लगा रखे हैं PSC वाले, उनको लेकर इन्होंने जो एंट्री करती हैं छात्राएँ उन पर अवैध टिप्पणी, और कॉलेज प्रशासन द्वारा क्या कहते हैं उन्हें 12-1 बजे तक ही कॉलेज से बाहर उन्हें भगा दिया जाता है। इतना भय का माहौल कर दिया है कि कॉलेज में छात्र छात्राएं आने से भी डरने लगे हैं। ऐसे ही क्या नाम है, जो छात्र जो वहाँ शिक्षक हैं अपनी मर्जी से 12-1 बजे आते हैं क्लास न लगाकर, और अपनी राजनीति में ही दलगत राजनीति में ही लग जाते हैं। तो उसी को लेकर एक KG के कॉलेज की जो बिल्डिंग है जो काफ़ी समय से ध्वस्त की ओर है, जो उन्होंने KG के कॉलेज वालों ने एक अपना एक प्रारूप भी लगा रखा है कि आप पुस्तकालय में ज़्यादा संख्या में ना जाएं कि पुस्तकालय गिर सकता है। तो उन समस्याओं को लेकर आज हम ज्ञापन सौंपेंगे। एक मामला ये भी था, अभी छात्रा ने आरोप लगाया कि PSC के जवान ने उनसे फेसबुक आईडी, क्या मामला है पूरा वो एक क्या नाम है, हाँ, कॉलेज प्रशासन द्वारा जो कॉलेज की जिम्मेदारी होती है कॉलेज का आई कार्ड चेक करना, कोई बाहरी छात्र वहाँ ना आए, लेकिन उन कॉलेज के कुछ प्रोफेसरों ने अपनी जिम्मेदारी उन PSC कर्मियों पर सौंप दी कि आप कॉलेज का आई कार्ड चेक करें, लेकिन कभी भी कॉलेज परिसर में कॉलेज जिम्मेदार खुद होता है, पर कॉलेज में PSC कभी भी कॉलेज में आई कार्ड चेक नहीं कर सकती। तो उंन्होंने उन छात्राओं से आई कार्ड की जगह उनकी इंस्टा की आईडी, फेसबुक की आईडी, मोबाइल नंबर मांगे हैं, और उस लड़की ने अपनी लिखित में शिकायत भी दी है, और उस छात्रा को कॉलेज प्रशासन द्वारा इतना धमकाया जा रहा है कि वो अपने घर से भी बाहर नहीं निकल रही है। शिकायत करेंगे, हाँ, उनकी मौके की शिकायत करेंगे।